मूवीज की सिनेमाबाजी में आपका स्वागत है। फिल्मों की मजेदार कहानियों में आज आपको बताएंगे एक ऐसी फिल्म की बातें जिस फिल्म ने धर्म जी को बना दिया गरम धर्म। जी हाँ, फिल्म थी फूल और पत्थर और 1966 में आई इस फिल्म के बाद धर्म जी बन गए गरम धर्म। आपको तो यही मालूम है कि सलमान खान साहब ने फिल्मों में पहली बार अपनी शर्ट उतारी थी, लेकिन फिल्मों में शर्ट उतारने की शुरुआत की थी धर्म जी ने। उन्होंने फिल्म फूल और पत्थर में शर्ट उतार करके सबको चौंका दिया था और इसका भी किस्सा बहुत मजेदार है। असल में धर्म जी उस फिल्म में एक गुंडे का रोल कर रहे थे और उन्हें अच्छा गुंडा दिखना था। फिल्म में वो एक गरीब बुढ़िया भिखारन की मदद करते रहते हैं और एक बार जब वो सर्दी से कांप रही होती है तब वो अपनी शर्ट उतार करके उस बुढ़िया के ऊपर डाल देते हैं और ऐसे उतारी थी धर्म जी ने अपनी शर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म फूल और पत्थर की मजेदार कहानियां और इस फिल्म की स्टोरी भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपको कोई समस्या नहीं होगी। धर्म जी के लिए जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए। दरअसल हुआ ये था कि इस फिल्म को बनाया था ओपी रलहन साहब ने। ओपी रलहन जी ने 1958 या 57 में अखबार में एक किस्सा पढ़ा था जिसमें उन्होंने पढ़ा था कि एक संभ्रांत परिवार की बहू किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भाग गई जो कि समाज में बहुत अधिक उच्च जाति और वर्ग का नहीं समझा जाता था। इस बात से रलहन साहब इतना अधिक प्रभावित हो गए कि वो इस विषय पर एक कहानी और एक फिल्म बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई लेखकों से बात की और उनसे कहा कि वो ये कहानी उन्हें लिख करके दे दें, लेकिन इतने बोल्ड विषय पर तब कोई ना तो कहानी लिखने को तैयार था और ना ही कोई इस बात के लिए सहमत था कि ये फिल्म बनाई जाए। लेकिन रलहन साहब तो अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्हें ये फिल्म बनानी ही थी। खैर, ओपी रलहन साहब ने अख्तरुल ईमान एवं एहसान रिजवी साहब के साथ मिलकर खुद ही इस फिल्म की कहानी लिखी। अब बात आई कि फिल्म में किन कलाकारों का चयन किया जाए। रलहन साहब को इस फिल्म के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लगी थी मीना कुमारी जी। उन्होंने मीना कुमारी जी के पास जाकर ये फिल्म करने की दरख्वास्त की। मीना कुमारी जी तो राजी हो गईं, लेकिन मीना कुमारी जी के पति कमाल अमरोही जी इस पक्ष में नहीं थे कि मीना जी इस फिल्म को करें। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल हुआ ये कि रलहन साहब ने हीरो के लिए चुना राजेंद्र कुमार साहब को और वो राजेंद्र कुमार साहब के पास गए कि आप ये फिल्म कर लीजिए। मगर फिल्म इतनी बोल्ड थी कि राजेंद्र कुमार साहब ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया और फिर रलहन साहब सुनील दत्त साहब के पास गए जिन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तब ओपी रलहन साहब ने धर्म जी को फिल्म में लिया और उन्होंने ये वादा किया
कि वो इस फिल्म को सुपर डुपर हिट करके दिखाएंगे और इस नए लड़के का कैरियर चमका देंगे। लेकिन कमाल साहब को ऑब्जेक्शन था कि मीना जी की जोड़ी इस नए लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं जमेगी और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मीना जी इस फिल्म में काम करें। लेकिन मीना जी को तो इस फिल्म की स्टोरी बेहद पसंद आ गई थी और उन्होंने इस फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। फिल्म की शूटिंग के समय धर्म जी इस फिल्म को छोड़ देना चाहते थे क्योंकि उन्हें रलहन साहब का रवैया थोड़ा सा नागवार गुजर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अहंकारी हैं। लेकिन फिर किसी तरह से वो फिल्म में बने रहे और हो गया एक जादू जिसने 1966 में फिल्मी दुनिया में धूम मचा दी। फिल्म तो सुपरहिट रही थी लेकिन फिल्म का संगीत भी बहुत अधिक पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म के सभी गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। हालांकि गाने ना तो ज़्यादा धर्मेंद्र जी पर फिल्माए गए थे और मीना कुमारी जी पर केवल एक ही गाना फिल्माया गया था जो उन्होंने तब गाया था जब वो धर्म जी की ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। फिल्म का एक डायलॉग तो इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने उसे रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो उदाहरण की तरह उस डायलॉग को इस्तेमाल करने लगे। वो डायलॉग था, अगर शाका बुरा आदमी है तो फिर मैं चाहूंगी कि भगवान ऐसे हजारों बुरे आदमी पैदा करे। ये डायलॉग मीना जी ने जज के सामने बोला था और ये डायलॉग बेहद पॉपुलर हुआ था। हालांकि मीना जी ने इसमें पूरी फिल्म में सफ़ेद साड़ी ही पहनी है लेकिन फिर भी वे बेहद खूबसूरत लगती हैं और धर्म जी का तो कहना ही क्या। तो चलिए जल्दी से आपको सुनाते हैं फिल्म की कहानी। और हाँ, फिल्म का म्यूजिक दिया था रवि जी ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी साहब ने और सारे के सारे गीत सुपरहिट हुए थे और रवि जी ने भी इसके बाद एक से एक सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया था। इस फिल्म ने बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के अवार्ड भी जीते थे। यही वो फिल्म थी जब मीना जी और धर्म जी एक दूसरे के करीब आए थे। तो चलिए फिल्म की स्टोरी आपको बताते हैं। फिल्म शुरू होती है धर्म जी के साथ, जिनके बचपन का एक दृश्य दिखाया जाता है जिसमें वो चोरी करते हैं और फिर उन्हें बड़ा दिखाया जाता है जिसमें कि वो चोरियां कर रहे होते हैं और अपने किसी साथी गुंडे से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। वो एक बस्ती में रहते हैं जहां पर एक बुढ़िया भिखारन से उनका दिली लगाव होता है और वो उसे अपनी माँ की तरह मानते हैं और उसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। वो मदनपुरी जी और शशिकला जी के पास एक होटल जैसी जगह पर जाते रहते हैं और मदनपुरी जी ही उन्हें बताते हैं कि उन्हें आगे कहाँ जा कर के चोरी करनी है। ऐसे समय में मदनपुरी जी ही उन्हें एक गांव का पता देते हैं जहां पर उन्हें एक सेठ के घर में जा कर के चोरी करनी है। शशिकला जी फिल्म में नृत्य करती हैं और वो धर्म जी को प्यार भी करती हैं। इस पर भी एक दो गाने होते हैं। धर्म जी उस गांव में पहुंचते हैं, वहां उन्हें अपने एक पुराने दोस्त यानी रलहन साहब मिल जाते हैं और गांव में बहुत जोर का प्लेग फैला होता है। रलहन साहब धर्म जी से कहते हैं कि आपको जल्दी से यहां से भाग जाना चाहिए। धर्म जी का नाम इस फिल्म में शाका है, शाका यानी शक्ति सिंह। धर्म जी नहीं मानते हैं और वो उस
अमीर व्यक्ति के घर चोरी करने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें दिखती है उनकी बीमार बहू यानी मीना कुमारी जी, जो कि इस फिल्म में शांति बनी है। धर्म जी उनकी बहुत सेवा करते हैं और गांव के वैद्य को भी बुलाकर लाते हैं। गांव के वैद्य उनका इलाज करते हैं और पैसे नहीं लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि एक चोर इतनी मदद गांव की एक स्त्री की कर रहा है। धर्म जी को वहाँ पे कोई सामान तो नहीं मिलता है, क्योंकि मीना जी के सास ससुर और देवर सारा का सारा जेवर और रुपया पैसा लेकर ही गांव से मीना जी को मरने के लिए छोड़ जाते हैं। खैर, जब उनके सास ससुर वापस लौट कर आते हैं, तब धर्म जी वहाँ से चले जाते हैं और मीना जी के सास ससुर यानी कि ललिता पवार जी और जीवन जी और उनके देवर, वो तीनों जब वहाँ पर सारा का सारा सामान खुला देखते हैं और सिगरेट के टुकड़े आदि देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि घर में कोई दूसरा मर्द आता था और वो लोग मीना जी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और रात में उनका देवर उनके कमरे में पहुँच जाता है और उनके साथ गलत हरकतें करने लगता है। उसी समय वहाँ धर्म जी आ जाते हैं, मीना जी बेहोश हो जाती हैं और धर्म जी उन्हें उठाकर अपने घर ले आते हैं। अब यहां पर मीना जी रहने लगती हैं। तब धर्म जी कहते हैं कि मुझे तो लगता था कि मैं ही सबसे बुरा आदमी हूं, लेकिन मुझसे बुरे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। धर्म जी के मोहल्ले वाले बहुत टीका टिप्पणी करते हैं और मीना जी जब बाहर निकलती हैं तो उनको बहुत सारे ताने देते हैं, लेकिन मीना जी घर में रहने लगती हैं और घर को पूरी तरीके से संवार देती हैं। इधर धर्म जी अपने मालिक यानी मदनपुरी जी से पैसा आदि मांगने जाते हैं और वो उन्हें फिर से चोरी करने के लिए कहते हैं। ओपी रलहन साहब जो गांव की एक लड़की से प्रेम करते हैं, वो भी शहर आ जाते हैं और यहाँ आकर वो धर्म जी से मिल जाते हैं। मीना जी दोनों को समझाती हैं कि चोरी करना बहुत बुरा है और धर्म जी जब चोरी करने जा रहे होते हैं तो उनके मोहल्ले में आग लग जाती है और एक छोटी बच्ची को बचाते समय वो बहुत जल जाते हैं और उसके बाद उनके मोहल्ले वाले उनकी मदद करते हैं और उनको पसंद भी करने लगते हैं। इसी समय भगवान के सामने मीना जी एक गाना गाती हैं। रलन साहब भी आकर के उन लोगों की मदद करते हैं। उधर मीना जी के ससुराल वालों के यहाँ एक वकील आते हैं जो बताते हैं कि आपकी बहू के चाचा उनके नाम 6 लाख रुपए की जायदाद छोड़ गए हैं। तब वो लोग लालच की वजह से पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारी बहू कहीं चली गई है, उसे कोई उठाकर ले गया है और पुलिस मीना जी को खोजने लगती है और धर्म जी के घर भी आती है। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत अच्छे होते हैं और वो धर्म जी को सुधरने का एक मौका देते हैं, लेकिन अंत में जब शशिकला जी को पता लगता है कि धर्म जी मीना जी से प्रेम करते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं और फिर लड़ाई झगड़ा होता है जिसमें कि शशिकला जी की मृत्यु हो जाती है और सारा का सारा मामला अदालत में पहुंचता है। तब वहां पर जब पेशी के दौरान मीना कुमारी जी जज के सामने लाई जाती हैं, तब वो ये कहती हैं कि अगर ऐसे ससुराल वालों के साथ मुझे रहना है तो मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करते थे और वो अपने जख्म आदि दिखाती हैं और तभी वो कहती हैं कि अगर शाका बुरा आदमी है तो दुनिया में ऐसे हजारों बुरे आदमी होने चाहिए। खैर, एंड में सब ठीक हो जाता है। फिल्म में सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली धर्म जी ने और मीना जी ने। शशिकला जी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके ऊपर गोल्डन विग उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि वो हेलेन जी के ऊपर लगती है। अगर उन्हें उनके नेचुरल बालों के साथ पेश किया जाता तो शायद फिल्म और अच्छी लगती।
फिल्म तो सुपर डुपर हिट हुई थी और उसके साथ धर्म जी का कैरियर भी सातवें आसमान पर पहुंच गया था और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो अगर आप देखना चाहते हो कि पुरानी फिल्में कैसी होती थी और अगर आप शर्टलेस धर्म जी को देखना चाहते हैं तो देखिए फिल्म फूल और पत्थर। फिल्म बहुत अच्छे प्रिंट पर YouTube पर उपलब्ध है, आप बड़ी आसानी के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। तो बने रहिए मूवीज की सिनेमाबाजी के साथ और सुनते रहिए फिल्मों के ऐसे ही मजेदार किस्से। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको मूवीज की सिनेमाबाजी को सपोर्ट करना पड़ेगा वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके।